आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम संघत्त का कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40 रिवोल्यूशन पर मिनट की चाल से चक्कर लगाता है। डोरी में तनाव कितना है? यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वो अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सकता है। तो देखिए, हमको जो पत्थर है उसका द्रव्यमान दे दिया है, डोरी की लंबाई दे दिया है, और वृत्तीय पथ में घूम रही है तो वही त्रिज्या हो जाएगी, और चक्कर लग रहे हैं 40 चक्कर प्रति मिनट, और कह रहा है कि अगर बल 200 न्यूटन लगा दिया जाए डोरी में, मतलब अधिकतम तनाव डोरी 200 न्यूटन सहन कर सकती है, तो अधिकतम कितनी चाल से पत्थर को घुमाया जा सकता है, इतनी चीज हमसे पूछ रहा है। तो क्रम क्रम से हम एक एक चीज को समझते चलेंगे। तो जब एक पत्थर को डोरी से बांध कर वृत्त में घुमाया जाता है तब आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान देना कि जब डोरी में पत्थर बांध के हम घुमाते हैं तो पत्थर वृत्ताकार मार्ग में क्यों घूमता है, उसका कारण यह है कि जो उंगली में हम लोग बांध लिए तो उंगली हमारी केंद्र बिंदु बन गई, और उस केंद्र बिंदु की ओर डोरी का जो तनाव है वो अभिकेंद्र बल की तरह काम करता है, तभी जो है पत्थर वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। तो हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि पत्थर का द्रव्यमान कितना है, 0.25 किलोग्राम, डोरी की लंबाई कहें या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कहें, क्योंकि जितनी डोरी लंबी है इसी वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जा रहा है तो वही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो डोरी की लंबाई 1.5 मीटर है, आवृत्त कितनी है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो मिनट में है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 का भाग दे दिया तो ये सेकंड में आ गया। तो ये हमारा सिंपल करने पे आ गया 2/3 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है, ये हमको क्वेश्चन में भी दिया है, वैसे भी हमको पता होना चाहिए कि वृत्तीय गति में जो तनाव है या अभिकेंद्र बल है वो डोरी के तनाव से प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है कि डोरी में तनाव बराबर अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो टी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर फार्मूला होता है, इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला है, और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये पीछे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर ओमेगा हमारी कोणीय चाल है, तो कोणीय वेग है, तो m आर ओमेगा रखेंगे तो v स्क्वायर की जगह तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अपान ये नीचे r है ही तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। तो वही चीज देखो यहाँ पे रखा है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमारा ओमेगा बराबर 2πn होता है, ओमेगा बराबर 2πn, जहाँ n हमारी आवृत्ति है या रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो यही आवृत्ति है, यहाँ पे न्यू लिखा है जिसको, तो ये ओमेगा बराबर 2πν होना चाहिए, न्यू ये थोड़ा गलत लिखा है, न्यू को आवृत्ति कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है न्यू, ये आवृत्ति हमारी, तो एम आर ओमेगा की जगह 2πν लिख दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया एम आर 4π² न्यू स्क्वायर, तो ये आ गया एम की वैल्यू, क्वेश्चन में दी है 0.25 किलोग्राम, और आर की वैल्यू 1.5 मीटर है, 4 है तो 4 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 इसका स्क्वायर कर दिया, और न्यू अभी हमने ऊपर चक्कर प्रति सेकंड में निकाला था तो 60 का भाग दिया था, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना आया था 2/3 आया था, तो इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि न्यू का स्क्वायर है, सॉल्व किया तो आ गया 6.6 न्यूटन, इतना आ गया ये डोरी में तनाव। अब देखिए डोरी द्वारा सहन किया जा सकने वाला अधिकतम तनाव कितना है,
200 न्यूटन ये क्वेश्चन में हमको दे दिया है। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि 200 न्यूटन का तनाव डोरी सहन कर सकती है, यानी अधिकतम तनाव कितना है 200 न्यूटन। तो टी मैक्स बराबर, अभी हमने अभिकेंद्र बल का फार्मूला लिखा था, यह बराबर है mv स्क्वायर अपान r। तो टी मैक्स अधिकतम तनाव के लिए, जितना अधिकतम तनाव सहन कर सकती है डोरी, तो उतने अधिकतम तनाव के लिए अधिकतम वेग होगा। तो एम वी मैक्स का स्क्वायर अपान आर हो गया, और हमको तनाव दे दिया है 200 न्यूटन, तो वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया टी मैक्स, ये आर इधर चला जाएगा, एम वी स्क्वायर एम नीचे चला जाएगा। अब टी मैक्स हमको 200 न्यूटन दिया है, डोरी का त्रिज्या 1.5 मीटर है और द्रव्यमान 0.25 किलोग्राम है, सॉल्व किए तो आ गया 1200 मीटर पर सेकंड। वी स्क्वायर आया है, अभी 1200 कितना आया है वी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। अब इसको वी मैक्स निकालेंगे तो 1200 का रूट हो जाएगा, तो ये आ गया 34.6 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला करके इससे अगर हम ज़्यादा स्पीड वेग से पत्थर को घुमा देंगे तो डोरी टूट जाएगी, क्योंकि तब जो है तनाव 200 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा और 200 से अधिक तनाव डोरी नहीं सहन कर सकती। तो इसलिए इस वेग से ज़्यादा हम पत्थर को नहीं घुमा सकते। तो वी मैक्स हमारा निकल आया और डोरी में तनाव निकल आया, जो भी हमने निकालना था, दोनों चीज़ें जो क्वेश्चन में पूछी गई दोनों निकल आई। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है यदि प्रश्न 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए तथा डोरी यकायक टूट जाए, तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो कह रहा है कि प्रश्न 21 में जो है, जो अधिकतम चाल निर्धारित है उससे ज़्यादा घुमा दे, तो जाहिर सी बात है कि तनाव 200 न्यूटन से ज़्यादा डोरी नहीं सहन कर पा रही थी, अगर वो तनाव ज़्यादा वेग से घुमा दिया जाएगा तो डोरी अचानक टूट जाएगी। तो कह रहा है डोरी अगर टूट जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी। तीन विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है वो पत्थर झटके के साथ त्रिज्यता बाहर की ओर जाता है, डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेख ही पथ पर उड़ जाता है, पत्थर स्पर्श ही से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है उड़ जाता है। तो इसमें देखिए बी विकल्प हमारा सही है। जब डोरी टूट जाएगी तो डोरी का जो वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए दिखा रहे हैं, ये वृत्ताकार पथ है हमारे पास। अब यहाँ पर मान लीजिए पत्थर है, अब डोरी टूट गई, मान लीजिए इस प्रकार से ये दक्षिणावर्ती घूम रहा है, अब यहाँ पर पत्थर है और अगर डोरी टूट जाएगी तो यहाँ पर जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा, तो इसी स्पर्श रेखा की दिशा में ऐसे जो है ये पत्थर भाग जाएगा। तो वही कह रहा है कि डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखा की पथ पर उड़ जाता है, तो इस प्रकार से ये उड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया है कि जब एक पत्थर को डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तब किसी बिंदु पर पत्थर का वेग उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। यदि डोरी अचानक टूट जाए तो पत्थर वेग की दिशा में स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करेगा, यानी विकल्प भी सही है। तो जब टूटेगा, जब वृत्तीय पथ में हम घुमाते हैं तो जिस पॉइंट पर हम वेग निकालना चाहें तो उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींच देंगे, जिधर को वेग होगा तो वही हमारी वेग की दिशा बताती है, और अगर डोरी टूट जाए तो उसी स्पर्श रेखा में पत्थर उड़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता है, तो कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए क्यों। तो कह रहा है कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में, यानी कोई खाली जगह है अंतराकाश में यानी स्पेस में, तो कह रहा है कि घोड़ा को अगर कोई गाड़ी बांध दी जाए
तो खींचते हुए वो दौड़ नहीं सकता है, इसका क्या कारण है? तो हमने पढ़ा है कि जमीन पे जब घोड़ा चलता है तो जमीन को पीछे की ओर पैरों से ढकेलता है, तब वो आगे की ओर बढ़ता है। जब स्पर्श स्पेस में यानी खाली जगह में कोई प्रतिक्रिया लगाने के लिए उसमें बल ही नहीं है तो कैसे घोड़ा आगे बढ़ेगा? तो कह रहा है जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचने का प्रयत्न करता है तो वो पृथ्वी पर पीछे की ओर एक कोण पर बल लगाता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी भी घोड़े के पैरों पर बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस प्रतिक्रिया का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े के भार को संतुलित करता है तथा क्षैतिज घटक गाड़ी को गति प्रदान करता है। रिक्त स्थान में कोई प्रतिक्रिया न होने के कारण एक घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी घोड़ा जो है अपने पैरों से किसी कोण पर पृथ्वी को ढकेलता है, तो उसके विरोध में पृथ्वी भी घोड़े को ढकेलती है। तो चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो घोड़ा पृथ्वी को नहीं ढकेल पाता, बल्कि जब पृथ्वी को ढकेलता है तो वो खुद ही आगे बढ़ जाता है प्रतिक्रिया पृथ्वी के प्रतिक्रिया बल की वजह से, यानी पृथ्वी उसको आगे ढकेल देती है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके आधार पर वो आगे बढ़ता है। अब जब इसमें गाड़ी, यहाँ पर देखिए एक फिगर बना के आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये मान लीजिए ये कोई घोड़ा है, इसको किसी एंगल पे ऐसे खींच रहा है। तो इस पर जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा उसके हिसाब से ये जो गाड़ी है ये पूरा सीधी लाइन रहेगी, थोड़ा एंगल है, तो ये जो गाड़ी है इस पर नीचे की ओर गाड़ी का भार mg काम करेगा और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन जो होती है प्रतिक्रिया बल R काम करेगा। तो ये R इस mg को बैलेंस कर लेगा तो ऊपर नीचे कोई गति नहीं होगी। अब रही बात आगे की, तो हम जब आगे की ओर गति करते हैं तो यहां से एक जो है इस प्रकार से एक लाइन डाली गई, तो ये जो है यहां पर घोड़ा बंधा हुआ है। यहां पर मान लीजिए कि कोई घोड़ा है, यहां पर ये कोई घोड़ा है मान लेते हैं, तो ये खींच रहा है, तो ये एंगल थीटा है, मान लीजिए थीटा एंगल। तो ये जो होगा ये बल, मान लो इसमें एफ लग रहा है तो ये थीटा एंगल है, तो क्षैतिज घटक में एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऊर्ध्वाधर घटक ही इसका काम करता है, क्षैतिज घटक ही बचेगा, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ये आगे की ओर क्षैतिज घटक गाड़ी को गति प्रदान करता है। यह लिखिए लिखा हुआ है इस प्रतिक्रिया का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े के भार को संतुलित करता है। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये भार को संतुलित करता है, घोड़े के भार को क्या, पूरी गाड़ी के भार को संतुलित करता है तथा क्षैतिज घटक गाड़ी को गति प्रदान करता है। जो क्षैतिज घटक है जो यफ लग रहा है यही गाड़ी को गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ती है। अब जब हम स्पेस की बात करेंगे जहां पर पृथ्वी है ही नहीं तो पीछे ढकेलने वाला कोई बल नहीं होगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं लगेगी, तो घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी तीव्र गति से चल रही बस के यकायक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जड़त्व का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ इनर्सिया, उसमें यह है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो सदैव एक समान गति से चलती रहेगी,
कोई वस्तु स्थिर है तो वो सदैव एक समा एक जगह स्थिर रहेगी, जबकि कोई बाह्य बल उसकी स्थिति को बदल न दे। तो जाहिर सी बात है कि जब तीव्र गति से बस चल रही है तो सारे रेलगाड़ी बस में बैठे यात्री भी तीव्र गति से चल रहे हैं। अब जब अचानक ब्रेक लगा देता है तो हमारा बॉडी उसी प्रकार से एक समान गति से चलना चाहती है, लेकिन जब ब्रेक लगा देता है तो गाड़ी रुक जाती है। तो गाड़ी तो रुक गई लेकिन शरीर चलना चाहता है, तो इसीलिए जिधर को गाड़ी चलती है उधर को हम आगे रुक करके अपने शरीर को पकड़ते हैं, किसी हाथ से पकड़ लेते हैं किसी चीज को, ताकि तो हम आगे की ओर केवल झुक पाते हैं, गिरते नहीं। तो कह रहा है जब बस किस गति कर रही होती है तब उसमें बैठे यात्री भी बस के वेग से उसी दिशा में गति करते हैं। बस के यकायक यानी अचानक रुकने पर यात्रियों के शरीर के नीचे का भाग जो बस से सीधे संपर्क में है बस के साथ मंदित होता है यानी धीमा होता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो बस के सीधे संपर्क में नहीं है अपनी गति के जड़त्व के कारण पूर्ववत दिशा में ही गति करता रहता है, जिस कारण यात्री आगे की ओर गिर पड़ते हैं। सारी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। लॉन मूवर का मतलब होता है कि उसमें एक बड़ा सा पहिया लगा रहता है, जैसे रोलर होता है। रोलर मान लीजिए जैसे सड़क में जो सड़क को दबाते हैं तो रोलर होता है, तो उसको हाथ से चलाया जाए कुल मिलाकर के। तो जैसे बैलगाड़ी को अगर बैल खींचते हैं तो अगर उसको ढकेला जाए तो कह रहा है ढकेलना ज्यादा कठिन है खींचने की तुलना में, तो ऐसा क्यों होता है ये हमको बताना है। तो देखिए कितना बढ़िया फिगर बनाया है, फिगर से हमको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए लॉन मूवर का ये पहिया है, तो जब हम इसको खींचते हैं तो बल ऐसे लगता है, जब बल ऐसे लगता है तो ऊर्ध्वाधर घटक एफ कॉस थीटा इधर को जाता है, क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा इधर को जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा इधर को जाता है, और एम जी इसका भार नीचे को काम करता है। और जब हम इसको ढकेलते हैं तो जब ढकेलते हैं तो ये कोण थीटा बनेगा, तो इसका क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा इधर को जाता है, और जो फोर्स लग रहा है वो इधर नीचे को जाता है, और एम जी जो है ये नीचे को काम करता है। तो ये एफ कॉस थीटा हो गया, एम जी साइन थीटा नीचे को हो गया, एफ साइन थीटा, एम जी भी नीचे को है, एफ साइन थीटा भी नीचे को है। इसमें क्या है, एम जी नीचे को है, एफ साइन थीटा ऊपर को है, तो ये इस वाले बल को निरस्त कर देता है, एफ साइन थीटा एम जी को, तो केवल ये एक ही बल इसमें काम करता है, तो खींचना आसान हो जाता है। लेकिन जब इसको हम ढकेलते हैं ऐसे तो ये बल की जो बल है वो ऐसे लगता है, तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो एफ साइन थीटा नीचे को हो जाता है। तो अब एम जी तो काम कर ही रहा था, एफ साइन थीटा भी नीचे को लगने लगा, तो ये दो बल नीचे को लग रहे हैं यानी पृथ्वी को दबा रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाना ज्यादा कठिन हो जाता है। मेरी समझ से आपको बातें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर ये दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं, तो जुड़ के ज्यादा भार बन जा रहा है, तो ज्यादा भार को ढकेलना ज्यादा कठिन है। यहाँ पर ये एफ साइन थीटा इस अपने ऊर्ध्वाधर घटक को कैंसिल कर दे रहा है, तो इधर को ले जाना आसान हो जा रहा है। तो लॉन मूवर को खींचने के लिए एक बल एफ क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर लगाया जाता है। चित्र ए, इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर होता है जो लॉन मूवर के प्रभावी भार को कम कर देता है। ऊर्ध्वाधर घटक जब ऊपर की ओर होगा तो इस भार को कम करेगा। लॉन मूवर को ढकेलने के लिए एक बल एफ क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर लगाया जाता है। चित्र बी, अब नीचे की ओर जब लगा रहे हैं तो इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर होता है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है साइन थीटा, अब नीचे को हो गया, जो लॉन मूवर के प्रभावी भार को बढ़ा देता है। यहाँ पर देखिए जुड़ जाएंगे,
यहाँ पर विपरीत थे तो घट रहे थे, यहाँ जुड़ जाएंगे, तो भार को बढ़ा देता है। अतः लान मूवर को ढकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। यहाँ भार बढ़ जा रहा है तो ढकेलना कठिन है, यहाँ भार घट जा रहा है तो खींचना आसान है। डी में देखिए कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे क्यों खींचता है। ये देखिए एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए तो गेंद को लपकने में हाथों को दिया गया आवेग कितना होगा, बल गुणे समय अंतराल होता है। अब यही आवेग जो है गेंद के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। तो आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर गेंद के संवेग में परिवर्तन, ये एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, जब क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे खींचता है तो गेंद को रोकने में लगा समय बढ़ जाता है, ये डेल्टा टी बढ़ जाएगा। समय बढ़ जाने के कारण गेंद द्वारा क्रिकेट के खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल घट जाता है, जिससे उसके हाथों को कम चोट लगती है। जाहिर सी बात है कि अगर आवेग को फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट है, क्योंकि वस्तु का वेग तो उतना ही है, गेंद के संवेग में परिवर्तन तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो वेग तो उतना ही है। अब अगर आवेग की बात करें तो आवेग को अगर कांस्टेंट रखना है तो डेल्टा टी को अगर हम बढ़ा दें तो यफ घट जाएगा, यफ घट जाएगा अगर डेल्टा टी को बढ़ा दें। तो जब वो हाथ पीछे को खींचता है तो गेंद को रुकने का समय बढ़ जाता है, तो जब समय बढ़ गया तो उसके हाथों में जो बल लगना था बहुत तेजी से वो घट जाता है, तो हाथ में चोट नहीं लगती, इस कारण से खिलाड़ी हाथ को पीछे खींचता है। अब आ गई देखिए विविध प्रश्नावली, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है चित्र में 0.04 किलोग्राम संगति के किसी पिंड का स्थित समय ग्राफ दर्शाया गया है, इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए, पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है, प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है। देखिए जो विविध प्रश्नावली है इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके सिद्धांत जो आपने अभी तक सीखा है उसकी परीक्षा लेने के लिए है, तो इन बड़े क्वेश्चनों से हमको घबराना नहीं है। ये IIT में पूछे जाएंगे इस तरह क्वेश्चन, नीट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है ये हमको जानना जरूरी है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ाना पड़ेगा। तो कह रहा है चित्र जो बनाया गया है 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका स्थिति समय ग्राफ दिया गया है, x अक्ष में समय, y अक्ष में स्थिति दी गई है, इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। कह रहा है इस गति के लिए कुछ हमें उचित बातें बताना है, पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है, प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है, तो आवेग कितना है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है यानी परिमाण, और दो समय अंतरालों के बीच क्रमिक आवेग कितना है ये बताना है। तो इसको देखते हैं, तो देखें यहां कह रहा है कि पिंड का द्रव्यमान 0.04 किलोग्राम है, हमको पता है t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक स्थित समय ग्राफ OA एक सरल रेखा है। इसको देखिए t यहाँ पर 0 है तो 0 से 2 सेकंड तक, अगर यहाँ से लाइन ऐसे खींचें तो 2 सेकंड तक ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। इस इधर x दिया है, इधर t, यानी इधर जाने पर समय है यानी 2 सेकंड का समय लगा यहाँ तक पहुँचने में, तो ये कितना दूरी चला, 2 मीटर, ये मीटर में है तो यहाँ लाइन खींचें तो इसको टच करेगा, तो इसका मतलब 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी चला है। ग्राफ कैसे देखते हैं इसको समझने का प्रयास करिए, तभी बातें समझ में आएंगी। तो देखिए OA एक सरल रेखा है,
केंद्र बिंदु ओ है और जहां पर अधिकतम पहुंचा वो ए बिंदु है। अतः पिंड एक नियत चाल से गति कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये सरल रेखा यानी ये कोण फिक्स है। जब कोण फिक्स है तो इसका मतलब है कि यक्स और टी का अनुपात बराबर है सब जगह। तो जब अनुपात बराबर है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी भी अनुपात में उतनी ही बढ़ रही है जितना अनुपात में समय बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वेग नियत रहेगा, इसीलिए कह रहा है कि वस्तु नियत वेग से चल रही है। तो ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ए है, अपनी किताब में लिख लीजिए। तो अब जाहिर सी बात है कि पिंड नियत चाल से चल रहा है, तो नियत चाल से चलने के लिए वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग बराबर या चाल बराबर दूरी बटे समय। सरल रेखा में अगर गति हो रही है तो वही वेग है और वही चाल है, बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, एक विमीय गति है, तो दिशा बदलेगी नहीं, दिशा फिक्स रहेगी। दिशा फिक्स है तो वही चाल है, वही वेग है। तो वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है? प्रारंभिक दूरी तो प्रारंभ में जीरो है, अंतिम 2 मीटर चला है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 2 माइनस 0 बटे समय अंतराल। तो समय अंतराल कितना है? ये 0 सेकंड समय है या 2 सेकंड है, तो अंतिम समय अंतराल 2 माइनस 0। तो इसलिए देखिए 2 माइनस 0 ये विस्थापन बटे 2 माइनस 0 समय अंतराल। तो ये 2 में 2 कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी 10^-2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10^-2 मीटर होता है। अविस्थित समय ग्राफ, अब देखिए हमको वेग निकल आया। अविस्थित समय ग्राफ का भाग ए बी भी एक सरल रेखा है। अतः पिंड का वेग, अब देखिए ये ए बी भी सरल रेखा है, ए से बी तक ये सरल रेखा है। तो कह रहा है इस पर क्या वेग होगा, उसकी बात कर रहा है। तो देखिए अब समय अंतराल अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो पहले 2 सेकंड का, 2 से यहाँ 4 हुआ, इसका मतलब ये भी दूरी चलने में 2 सेकंड लगा, मतलब 4 माइनस 2 कर सकते। और अब दूरी कितना हुई? दूरी 0 हो गई, केंद्र बिंदु पर आ गए ना, तो दूरी 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे एक्स अक्ष में तो ओ में आके मिलती है। ओ का मतलब ये मूल बिंदु है यानी 0 है। तो दूरी तो 0 हो गई लेकिन समय 4 सेकंड हो गया। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारी दूरी अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं तो अंतिम कितना है? अंतिम ये देखिए दूरी 0 हो गई, क्योंकि यहाँ 2 मीटर था एक्स अक्ष, यहाँ जब बी पे आ गया तो एक्स अक्ष में यहाँ अगर मिलाएंगे लाइन तो 0 पे आ जाता है। तो अंतिम दूरी कितना हो गई? 0। प्रारंभिक कितनी हो गई? अभी ये प्रारंभिक मानी जाएगी तो 2 मीटर, तो 0 माइनस 2 लिख दिया, अंतिम माइनस प्रारंभिक 0 माइनस 2। अगर आप समय की बात करें तो अगर हम समय की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अंतिम समय 4 सेकंड है और ये प्रारंभिक हो जाएगा, क्योंकि यहीं से इतने ए से बी की बात हो रही है, तो प्रारंभिक समय 2 हो जाएगा। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक तो 4 माइनस 2 होना चाहिए, यहाँ पर 4 माइनस 2, तो ये -2/2 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। थोड़ा त्रुटि है, इसको सही कर लीजिए। ये हमारा होना चाहिए 0-2/4-2 होगा। यहाँ तक आने में 4 सेकंड लगा और ये पहले था 2 सेकंड, तो ये आ गया -2/2, तो ये आ गया -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह होना चाहिए, तब ये -1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो -10^-2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आप देखिए
ये कह रहा है कि ऋण चिन्ह दर्शाता है कि वेग की दिशा 2 सेकंड बाद विपरीत हो जाती है। तो समझिए बात को कि 2 सेकंड तक, यहां से 2 सेकंड तक वेग देखिए इस दिशा में था, अब इसके जस्ट अपोजिट इस दिशा में हो गया, तो विपरीत हो जाती है दिशा वेग की, इसलिए जो है निगेटिव आ गया। पहले इस दिशा में था, इस दिशा में, तो अब आपको ये लग रहा होगा कि विपरीत का मतलब तो इस दिशा में होना चाहिए, ये इस दिशा में क्यों है? तो ये ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे जाएगा और क्षैतिज घटक ऐसे जाएगा, और जब ये वस्तु ऐसे हो जाएगी तो यहाँ पर स्पर्श करेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक नीचे को जाएगा और क्षैतिज घटक इधर को जाएगा, तो ये विपरीत ही हो जा रही है, करके देखिए आ जाएगा। तो इसलिए माइनस का साइन हमारा आ गया। तो ऋण चिन्ह दर्शाता है कि वेग की दिशा 2 सेकंड बाद विपरीत हो जाती है तथा यह बार बार होता है, यह क्रिया बार बार होगी। देखिए बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है, बार बार 2 मीटर पर वस्तु जाती है, फिर 0 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 0 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 0 मीटर। तो इसका मतलब है कि कोई गेंद है पृथ्वी पर पटक दी जा रही तो ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर जब पटकेंगे तो धीरे धीरे 2 मीटर से कम ऊंचाई पर जाएगी। ये ऐसी जगह है जहाँ वायु का प्रतिरोध नगण्य है, वहां ये काम किया जा रहा है, तो इसको ध्यान देना। तो इस गति का उचित भौतिक संदर्भ क्या है? x बराबर 0 तथा x बराबर 2 मीटर पर स्थित दो दीवारों के बीच 10 मीटर प्रति सेकंड, 10^-2 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान गेंद है जो प्रत्येक बार दीवार से टकराने पर प्रतिक्षिप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि दो खड़ी खड़ी दीवारें हैं, दो दीवारें हैं ऐसे खड़ी हैं और उनके बीच में कोई गेंद है, तो एक बार इससे ऐसे टकराती है, फिर ऐसे टकराती है, ऐसे टकराती है, फिर ऐसे टकराती है, और ये दीवार अगर लंबी हो तो फिर ऐसे टकराती है, इस तरह से मोशन चल रहा है, फिर इससे टकराएगी, तो ऐसे ऐसे वही ग्राफ बनाया गया है। तो कह रहा है 10^-2 मीटर के नियत वेग से गतिमान गेंद है जो प्रत्येक बार दीवार से टकराने पर प्रतिक्षिप्त हो जाती है, यानी फिर से लौटती है दूसरी दीवार से, फिर दूसरी दीवार से, फिर दूसरी दीवार से, यही चल रहा है। तो गेंद को प्रति 2 सेकंड के बाद दिए गए आवेग का परिमाण क्या होगा? तो गेंद को प्रति 2 सेकंड में जो आवेग मिल रहा है तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर। तो गेंद के संवेग में परिवर्तन, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो ये m बराबर mv हो जाएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग mv डैश। तो चाहे अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक करें या प्रारंभिक माइनस अंतिम करें, तो इसने भाई अंतिम को बाद में लिखा है तो वेग की दिशा बदल जा रही है तो उसको माइनस में लिख दिया है अंदर, तो बात एक ही हो गई, तो यम वी माइनस वी डैश हो गया। तो 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान है, अंतिम वेग हमारा -10^-2 आया है, तो -10^-2 और प्रारंभिक 10^-2 था, बीच में माइनस का साइन लगा दिए, तो ये आ गया 8×10^-4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो हमेशा आप एक नियम बना लीजिए कि हमको अंतिम में से प्रारंभिक घटाना है, तो जब अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो हमको इस तरह लिखना पड़ेगा, ये चीज जो लिखी है ये हो जाएगा अंतिम एम वी डैश माइनस एम वी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तब ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस में है तो वी जब हम माइनस में लिखेंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, एम वी डैश माइनस एम वी हो जाएगा,
यानी माइनस का 2 MV हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए तो माइनस का 2 × m हमारा 0.04 है और v हमारा 10 to power minus 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.8 आ जाएगा इंटू 10 to power minus 4 केजी मीटर पर सेकंड, ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस में यहाँ पर आ गया, माइनस चिन्ह हमको ये बता रहा है कि जो वस्तु है वो जिधर को जा रही थी उसके विपरीत अब गति हुई है, तब ये माइनस का चिन्ह है, ये बताएगा। उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चिन्ह हमारा ये बताएगा कि दिशा बदल गई है। तो अंतिम में प्रारंभिक यही हमने, हम जब करते हैं तो हमने याद किया है तो हम वैसे ही करते हैं। यहाँ तो ये परिमाण आया, अगर दिशा की बात करेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 24 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।